नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवाणी न्यूज और मैं हूँ रचना पांडे। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आज की सुर्खियों की। झारखंड माटी कला बोर्ड द्वारा राज्य का पहला कोल्हान प्रमंडल सेमिनार सह प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, मंत्री अमर बावरी हुए शामिल। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का हुआ शुभारंभ, 15,000 से कम आय वाले लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ। चांडिल के रेलवे गोदाम में रेल कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट के घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने उपायुक्त कार्यालय सभागार में की दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में झारखंड माटी कला बोर्ड के द्वारा राज्य का पहला कोल्हान प्रमंडल सेमिनार सह प्रदर्शनी का आयोजन कर मिट्टी से तैयार किए गए सामग्रियों को नए लुक में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां गुजरात की माटी कला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। बिस्टोपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में झारखंड माटी कला बोर्ड के द्वारा कोल्हान प्रमंडल सेमिनार सह प्रदर्शनी का आयोजन कर 100 से अधिक कुम्हारों के बीच में इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पर्यटन मंत्री अमर बावरी एवं माटी कला बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद थे। वहीं प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य के विलुप्त होती माटी की कला को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां बदलते युग में आकर्षक डिजाइन वाले माटी के सामग्रियों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र प्रेशर कुकर एवं घरेलू उपयोग में आने वाले मिट्टी के सामान है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री अमर बावरी ने कहा कि जहां लोग अपनी माटी से दूर होकर विभिन्न बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं, वहीं राज्य सरकार के द्वारा माटी कला बोर्ड का गठन कर मिट्टी से तैयार किए गए सामग्रियों को एक नया बाजार देकर कुम्हारों की जिंदगी में खुशी लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं खुशी चाहिए क्योंकि ये ऐसा फल है जो कि आपके लिए और वहाँ पर मैंने प्रशिक्षण प्राप्त कर हमारे प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण सम्मान किया जा रहा है, प्रमाण पत्र किया जा रहा है। जोरदार तालियां तमाम। और रघुवरदास जी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ये अवसर जब आया था तो उन्होंने इस कला बोर्ड की गठन करी अपने माटी के सुगंध को बिखरने के लिए। और माटी जो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई एक अनन्य संबंध की गाथा है, माँ माटी हम सभी जानते हैं, उससे जुड़े हुए इस कला से अपने जीवन को प्रारंभ काल से जब इस सभ्यता का संचार हुआ, सभ्यता का आरंभ हुआ, तब मानव ने यदि किसी चीज से अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु बनाई तो वह मिट्टी थी और उससे बना हुआ सामान था। वहां से लेकर आज जब हम इस बात तक की सफर को तय किए हैं, तब ये पूरा समाज ये विकास के पारंपरिक एक कड़ी को लगातार बना करके मानव जीवन को सरल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले लोगों के जीवन में कैसे हम और बेहतर ला सके, कैसे उनके जीवन को और संगठित बना करके आज के जो बाजार हैं, जो पारंपरिक हमारे चाकी और उसमें चाके में मिट्टी कूद करके काम करने वाले जो परंपरागत जो व्यवसाय है, जो अपना जीवन है, उसमें कैसे हम परिवर्तन ला करके आज के इस कंपटीशन वाले समय में हम उसको अनुरूप खड़ा हो सके, इस दिशा में माटी कला बोर्ड का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। पूरे देश में मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया। जमशेदपुर जिले में भी इसका शुभारंभ कर दिया गया है। इसके तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस योजना के तहत वैसे मजदूर जिनकी आय मासिक 15,000 से कम है, वे इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए तय उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की है, जिसके तहत 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रत्येक माह मजदूर को जमा करना होगा और उतनी ही राशि सरकार उनके खाते में डालेगी और 60 वर्ष के आयु के बाद उन्हें मासिक 3,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। इस योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को किया।
जमशेदपुर के आयोजित सेमिनार में कई विधायक व जिले के सांसद शामिल हुए। इस दौरान प्रशासनिक आला अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। सांसद विद्युत वरण महतो ने किया कहा कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसे देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया है और इसका लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलेगा जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा। जो कि मानधन योजना देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज इसको लॉन्च करेंगे। आज असंगठित मजदूर जो ठेला वाला, खोइचा वाला, केला वाला, फल वाला या तो कृषि में काम करने वाला मजदूर जिसका कोई नियमित नहीं है कितना दिन काम मिलेगा कितना दिन काम नहीं मिलेगा, तो जो आपका 18 साल से 40 साल के अंदर 50-55 रुपया 60 साल तक जो जमा करेंगे या जो 40 साल से 60 साल तक 200 रुपया जमा करेंगे पूरा जीवन भर उसको इसमें कवार करते हुए उनको 3000 रुपया प्रति माह जो है उसको पेंशन मिलेगा। और स्वाभाविक है बुढ़ापा क्षेत्र में जो होता है उस उम्र जो होता है सबके लिए कई के लोग तो बोझ समझने लगते हैं, तो अपने तरफ से इस युवा अवस्था में जो अपना इनकम के कुछ अंश अगर वो अपना फ्यूचर के लिए इसको जमा करेंगे तो भारत सरकार की स्कीम जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है और भविष्य सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा उपाय है। जमशेदपुर रेल पुलिस ने चांडल स्थित ट्रैक्शन रेलवे गोदाम में रेल कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के मुख्य सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में लूटे गए तांबे के तार बरामद किए हैं। आरपीएफ तथा टाटा नगर रेल पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया है। इसमें कांड के मुख्य सरगना और अंतरराज्यीय डकैत गिरोह को धर दबोचा है। इसका मुख्य सरगना कपाली निवासी मोहम्मद रफीक है और उसका साथी आनंद सिंह उर्फ बादशाह है जो रेल कॉलोनी निवासी है। दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वैसे इस गिरोह के चार अन्य सदस्यों को पहले ही जेल भेज दिया गया था। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने लगभग 15 क्विंटल तांबे के तार को जब्त किया है जिसे इन्होंने लूटा था। वहीं इस घटना में कुछ और अपराधी भी शामिल हैं, जिनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कल भी हमने दो लोगों को पकड़ा है जिसके साथ हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो इविडेंस है जो कि चोरी हुई थी सामान वो जम मिल गया है, जो अप्रॉक्स से 15 क्विंटल का बताया जा रहा है, जो ओवरहेड इक्विपमेंट्स होते हैं कॉपर वायर वो रखे हुए हैं। उनके साथ हमने उनको भी सीजर लिस्ट बना के सबको भेज दिया है। इसमें कुछ और भी कंप्लीट केस क्लोजिंग के कंप्लीट है, कुछ और अपराधियों को पकड़ना है जिसमें कन्फेशन के बेसिस पे आ रहा है, उसको भी हम लोग जल्दी पकड़ के केस हमारा खत्म हो। ये माल का अप्रॉक्स कीमत बताना मुश्किल है राइट नाउ मुझे, ये कॉपर वायर से ये महंगे होते हैं पर अमाउंट एक्चुअली ये कबाबखाना में चला जाता है वहाँ से इसको यूज करके गला करके कैसे बेचते हैं, ये भी एक अच्छा है इशू। इसमें हम लोग और भी तह तक जाने की कोशिश करेंगे, जो भी ऐसे रेलवे इक्विपमेंट चोरी हो रहे हैं जहाँ बीजेपी की सवाल होता है उसको जो भी लीकेजेस हो रहे हैं रेलवे का फिश प्लेट या जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट हमारे जो भी संज्ञान में आएगा उस पर हम लोग धरपकड़ कर करवाएंगे। ये लोग किए हुए हैं पहले अनारा में भी एक केस हुआ था जो कि सिमिलर है, इन लोगों ने कन्फेशन में बताया कि हमने। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद कमाल खान ने जिला उपायुक्त कार्यालय सभागार में दोनों जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव एवं पर्व त्यौहार के साथ जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि समय समय पर जिला एवं थाना प्रभारियों के साथ भी बैठक किया जाए। लोकसभा चुनाव एवं पर्व त्यौहार को देखते हुए झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने जिला उपायुक्त कार्यालय सभागार में पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसवा जिला के उपायुक्त एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान दोनों जिला के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बहुत जल्द लोकसभा चुनाव होने वाला है, जल्दी घोषणा भी हो जाएगी और लोकसभा चुनाव के अंतराल के बाद देश में महत्वपूर्ण पर्व होली, रामनवमी एवं सहरूल शांति अमन के साथ लोग मनाएंगे, साथ ही चुनाव भी हो जाए पर्व त्यौहार भी मना सके, विशेषकर शरारती तत्व पर्व त्यौहार में किसी प्रकार का विघ्न न डालने का प्रयास करे, इस पर प्रशासन को पैनी नजर रखने की जरूरत है।
इसी सारे बिंदु पर हम लोग ने विधि व्यवस्था पर चर्चा की है और दोनों जिलाधिकारियों के अल्पसंख्यक आयोग के टीम को आश्वस्त किया है। लगता है कि जल्द ही चुनाव, लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ उसी अंतराल में कई महत्वपूर्ण पर्व हैं, जैसे कि होली का पर्व है, रामनवमी का पर्व है, सरहुल का पर्व है। ये सद्भावना और शांति अमन के साथ चुनाव भी हो जाए, पर्व त्यौहार भी आपका बढ़िया से हो जाए, शरारती तत्व कहीं भी आपका विघ्न डालने का प्रयास न करें, प्रशासन की पैनी नजर रहे, इन सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने आज के विधि व्यवस्था पर चर्चा की है और दोनों जिला के प्रशासन के अधिकारियों ने अल्पसंख्यक आयोग की पूरी टीम को आश्वस्त किया है कि हम लोग शांति और व्यवस्था कायम करने में कहीं भी पीछे न रहेंगे। हम लोगों ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत किया जा रहा है, क्योंकि तथ्य से परे खबरें चलाई जाती है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सीसीटीवी कैमरा भी आपका जगह जगह लगाने की आपकी ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ों पर आपका गंभीरता से चर्चा हुई। साथ ही साथ ये भी चर्चा हुई कि शांति समिति की बैठक तो पर्व त्यौहार में तो करें, थाना पर करें, अनुमंडल स्तर पर करें, जिला स्तर पर करें, लेकिन उसका रहता है कि 4 महीना 5 महीना 3 महीना पर जो थाना स्तर का है, जो संवेदनशील इलाका है, उसमें इसी तरह का 3 महीना 4 महीना पर आप बैठ के करें कि सद्भावना बनाने में बहुत। वाम सेफ की ओर से भारत बंद का असर लौह नगरी जमशेदपुर में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिला। शहर की सभी बाजारें खुली रही, सड़कों पर भी आवागमन समान रूप से चलता रहा। हालांकि वाम सेफ के कुछ नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे जरूर। जैसे सभी कार्यकर्ता साक्षी गुलचक्कर पहुंचे, साक्षी बाजार बंद करवाने निकले, पुलिस ने सभी को अपने घेरे में ले लिया। कुछ कार्यकर्ता जबरन दुकान को बंद कराने का प्रयास किए, जिसके बाद दुकानों में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया गया, मगर पुलिस की चुस्ती को देखते हुए दुकानों में तोड़फोड़ नहीं की जा सकी, जिसके बाद पुलिस और वाम सेफ के कार्यकर्ता में हल्की नोकझोंक भी हुई। पूरा बाजार घूमने के बाद सभी कार्यकर्ता साक्षी गोलचक्कर के पास जम गए। बाजार नहीं बंद होने की सूरत में वाम सेफ के नेता गुस्सा में आकर मीडिया को ही अनाप शनाप कह दिया। अंत में पुलिस जबरन उन्हें गिरफ्तार कर साक्षी थाना लेकर गई। जमशेदपुर के झारखंड मजदूर मुक्ति मोर्चा के बैनर तले एमजीएम अस्पताल के पद विमुक्ति किए गए कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही उनके समस्याओं के समाधान की मांग भी की गई। गौरतलब हो कि राज्य चिकित्सा विभाग के द्वारा पिछले दिनों एमजीएम अस्पताल के वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कई पदों को समाप्त किया गया है और इन सभी पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत थे। हालांकि इसके बाद उक्त कर्मचारियों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। मंगलवार को झारखंड मजदूर मुक्ति मोर्चा के बैनर तले इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। इन्होंने कहा कि एमजीएम अस्पताल में गरीब तबके के लोग इलाज करवाते हैं और अस्पताल में इन पदों को समाप्त किए जाने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी वहां कार्यरत थे, उनके समक्ष भी भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इन दिनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्रवाई कर पुनः सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाए, ताकि इन कर्मचारियों के समस्या का समाधान हो सके। वहाँ पे जो कर्मचारी को बैठाया जा रहा है, पद मुक्त किया जा रहा है, पद स्थापित कर दिया जा रहा है, तो इसी संबंध में हम लोग डीसी महोदय को जानकारी देने आए हैं कि एमजीएम अस्पताल कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है
वहाँ पे जो भी लोग आते हैं स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए वो सारे लोग गरीब दुर्बल मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। अगर इस तरह अगर सभी पदाधिकारी को अगर बैठा दिया जाए तो फिर वहाँ पे चिकित्सा के नाम पे तो कलंक हो जाएंगे। ये सारी चीज़ जो है हम लोग डीसी महोदय को बताना चाहते हैं, वहाँ पे मृत्यु मैंने ये हो जाएंगे, चिकित्सा हो जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी हो ठोस कदम ले। ये सारे पदाधिकारी है, कंप्यूटर वार्ड गर्ल वार्ड बॉय कंप्यूटर और विभिन्न मैंने पद में जो काम करने वाले श्रेणी है सारे लोग को वहाँ पे जो कटौती करके या किसी को पद समाप्त कर दिया जा रहा, तो ये ना है। तमाम इस सारे पदों को वहाँ पे नियुक्ति किया जाए, हम लोग का सरकार से। केंद्र सरकार के अधीन चलने वाली संस्था CGCRI के मुताबिक बदलते युग की धातु से बने बर्तनों को उपयोग करने के कारण 90% लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होने के कारण विभिन्न बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं, जिसे देखते हुए फिर से पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन राज्य में किया गया। इस बदलते युग में जहां धातु से बने बर्तन एवं अन्य सामान लोगों के लिए पहली पसंद बन गई है, वहीं झारखंड माटी कला बोर्ड के द्वारा आकर्षक डिजाइन वाले घरेलू उपयोग में आने वाले बर्तनों को तैयार कर एक नया बाजार देने का प्रयास किया जा रहा है। जहां अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड के विभिन्न जिलों में कुम्हारों को प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार कर उनके आर्थिक स्थिति को दुरुस्त किया जा रहा है, वहीं इस संदर्भ में झारखंड माटी कला बोर्ड के चेयरमैन श्री चंद प्रसाद का कहना है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के अधीन चलने वाली संस्था CGCRI के द्वारा सर्वे कर किया गया धातु का बर्तन उपयोग करने के कारण 90% लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जो एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, जहां अब लोगों को अपनी माटी से जुड़ने की जरूरत है, जिसे देखते हुए माटी कला बोर्ड भी आकर्षण डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन तैयार कर रही है। माटी से उत्पादित जितने भी बर्तन हैं, थाली ग्लास कटोरा तवा आदि, पुराने जमाने में हमारे पूर्वज उसका उपयोग करते थे। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया, CGCRI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लेबोरेटरी है, उसने इसे प्रमाणित किया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम धातु के उपयोग के कारण 90% लॉस कर रहे हैं, जिससे हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, और मिट्टी के बर्तनों का मिट्टी के सामग्रियों के उपयोग से 90% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सेफ होता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है और हम पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है उससे हम लड़ सकते हैं और बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। आज गुजरात में बड़े जोरों से इसकी उत्पादन हो रही है, बाजार में इसकी बहुत मांग है, बगल में कोलकाता में इसकी उत्पादन हो रही है, जिसका यहाँ करोड़ों का बाजार लोगों को मिला हुआ है, लोग उसको बिक्री कर रहे हैं। जमशेदपुर में इन दिनों धनबाद से आए सर्प विशेषज्ञ सांपों के संरक्षण की जानकारी लोगों को देते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि सांप पर्यावरण मित्र है और इनका संरक्षण आवश्यक है। सर्प विशेषज्ञ मुबारक अंसारी धनबाद के रहने वाले हैं और कई वर्षों से सांपों के संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं। इन दिनों वे निजी कार्य से जमशेदपुर पहुंचे हैं, जहां वे लोगों को सांपों के संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। इनके अनुसार सांप पर्यावरण मित्र है और इनका संरक्षण आवश्यक है। ये बताते हैं कि धीरे धीरे सांपों की संख्या कम होती जा रही है और कई प्रजाति तो विलुप्त होने के कागार पर है। इन्होंने कहा कि जंगल की कटाई के कारण अब ये घरों में घुस रहे हैं, लेकिन इन्हें मारने के बजाय छोटे मोटे घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर इन्हें घर से बाहर किया जा सकता है और इनका संरक्षण कर इन्हें जंगल में दोबारा पहुंचाया जा सकता है। वहीं इन्होंने सरकार से भी अपील की है कि राज्य भर में पारा फॉरेस्टर की नियुक्ति की जाए, ताकि ऐसे विलुप्त होते प्राणियों का संरक्षण संभव हो सके। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि सांपों को मारे नहीं, ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं। सांपों का रक्षण से होगा पर्यावरण का संरक्षण। ये विलुप्त के कागार में है, जैसे जैसे गाछ वृक्ष कट रही है सांप इंसानी बस्तियों में आना शुरू हो गया है, तो सबसे ज्यादा हमें सेफ ट्री सेफ लाइफ पर काम करना होगा। तो चूंकि सांप हमारे पर्यावरण मित्र है, इसे मारे नहीं। अगर कभी गलती से घर में आ जाता है तो आप कार्बोलिक एसिड ब्लीचिंग या फिनाइल का छिड़काव करें, वो चला जाएगा घर से निकल करके।
और सरकार से हम यही डिमांड करते हैं कि जिस तरह पारा टीचर होते हैं उस तरह पारा फॉरेस्टर के रूप में हम लोगों को अनुदान दिया जाए ताकि इस काम को और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकता है। जमशेदपुर के थोक विक्रेता संघ की ओर से दो दिवसीय मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया, जहां पूरे भारतवर्ष से कपड़े की खुदरा थोक एवं बड़ी बड़ी कंपनियां एक मंच पर दिखाई दी, जहां मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन मुंडा ने इस ट्रेड फेयर में शिरकत की। राम मंदिर में आयोजित इस दो दिवसीय ट्रेड फेयर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने शिरकत की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उपस्थित वस्त्र विक्रेता के साथ अपने विचारों को साझा किया। साथ ही उम्मीद जताई कि एक मंच में सभी को जुटान होने से वस्त्र व्यापारियों को काफी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा, पहली बार ट्रेड फेयर का आयोजन जमशेदपुर में हो रहा है। उन्होंने कहा, ट्रेड फेयर के आयोजन से बहुत सारे लोगों को च्वाइस मिलेगा, इससे बाजार में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा, पूर्वी सिंहभूम जिला एक ऐसा जिला है जिससे कई राज्य जुड़ते हैं, इससे फायदा यह होगा कि सभी तरह के कस्टमर इस ट्रेड फेयर में आसानी से आ सकते हैं। देखिए, ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि इसके माध्यम से डीलर्स और बायर्स का मीट होगा और बहुत सारे लोगों को चॉइस मिलेगा, इससे मार्केट बढ़ेगी, मार्केट की इकोनॉमी बढ़ेगी और जमशेदपुर में जो आसपास है इससे न केवल ये डिस्ट्रिक्ट में ये पोटेंशियल है कि सराउंडिंग जो है एक डिस्ट्रिक्ट से कई राज्य जुड़े हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पूरे सिंहभूम को तो छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, उड़ीसा जुड़ा हुआ है, बंगाल जुड़ा हुआ है, हर तरफ से जुड़ा हुआ है, तो सब तरह के कस्टमर यहाँ आ सकते हैं। जमशेदपुर में जुगसलाई में बने नए शिव हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरुआत मंगलवार को कलश यात्रा के साथ हुई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश में जल भरकर यात्रा की शुरुआत की। प्राण प्रतिष्ठा हेतु यह कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू हुई, जो नदी तट पर पहुंची और फिर नदी से महिलाओं ने जल भर के वापस मंदिर तक का सफर तय किया। गाजे बाजे के साथ यह यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण पहुंचकर समाप्त हुई, जिसके बाद यह पूजन अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। भगवान भोले बाबा के समस्त परिवार एवं महावीर जी की प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करवा रहे हैं। रायसा क्लब कार्यक्रम पूरे तीन दिनों तक हर्षोल्लास के साथ चलेगा। कार्यक्रम का कि आज हनुमान जी की शंकर पूरे शंकर परिवार की हम लोगों ने कलश यात्रा निकाली थी, पूरा जुलूस निकाला, जुलूस के बाद उनका पूजा होगा और शाम तक ये पूजा कार्यक्रम चलेगा और कल जाके उनका जगह पर उनको स्थान दिया जाएगा, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा कार्यक्रम। जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजन टेक विजन 19 एग्जीबिशन का समापन हो गया, जहां छात्रों द्वारा 21वीं सदी के सोच को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वेस्टोपुर स्थित SNTI में टाटा स्टील स्थापना दिवस के अवसर पर 3 मार्च से लगी प्रदर्शनी का समापन 5 मार्च को किया गया, जहाँ आकर्षक मॉडलों के माध्यम से 21वीं सदी को प्रदर्शित किया गया। वहीं इस प्रदर्शनी में विभिन्न टेक्निकल संस्थान एवं टाटा ग्रुप के सभी कंपनियों के मॉडल को प्रदर्शित किया गया था, जिसे देखने के लिए छात्रों की भारी भीड़ नजर आ रही थी।
पहले एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। झारखंड माटी कला बोर्ड द्वारा राज्य का पहला कोल्हान प्रमंडल सेमिनार सह प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, मंत्री अमर बावरी हुए शामिल। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का हुआ शुभारंभ, 15,000 से कम आय वाले लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ। चांडिल के रेलवे गोदाम में रेल कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट के घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने उपायुक्त कार्यालय सभागार में की दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।